في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي بعلي بعلي. کربلائے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ بین الحرمین مولا عباس علیہ السلام کی چھاؤں تلے ہم موجود ہیں. آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے. امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دلوں کی دھڑکنوں کو نچھاور کرنے کی نیت سے اپنی جان کو مولا کی بارگاہ میں قربان کرنے کی نیت سے آئیے عرض عقیدت و سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلائے مولا کی پاک دھرتی پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں. حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری، حسینیت کی زبان ہے لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. کربلائے مولا میں آج اس طریقے سے آپ جانتے ہیں 11 محرم الحرام ہے، مغرب ہو چکی ہے اور آج کے دن تاریخ 31 اگست ہے. ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 317 ہے اور خداوند متعال کا کرم ہے کہ ہم بین الحرمین سے آپ سے مخاطب ہیں. یقیناً
आप लोगों को ये बात करबलाए मौला की तरफ तमायुल पैदा करने वाली बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए आप हमारे प्रोग्राम को मासूम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में निगाह करते हैं, देखते हैं। और ये आपका ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम का शौक़ अगर हमारे प्रोग्राम से मुतालिक हो जाता है और हमारा प्रोग्राम आपको मासूम अलैहिस्सलाम से रब्त पैदा करने के लिए कोशिश करता है और ये मौला की बारगाह में कबूल है, तो हम आपसे के लिए हक़ में भी, आपके हक़ में भी दुआ गो हैं कि मौला आपको भी जल्द करबलाए मौला आने की सआदत नसीब फरमाए और अपने वो आंसू, अपनी वो मोहब्बत, अपना वो शौक़, अपना वो जज्बा, अपनी वो तड़प जो दूर से करबला की तरफ निगाह करके आपकी आँखों में झिलमिलाने लगती है, वो आप करीब आकर ज़रीह मासूम अलैहिस्सलाम पर निछावर करें, निसार करें, कुर्बान करें, फिदा करें। खुदावंद मुताल आपको दुनिया व आखरत अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में नसीब फरमाए, क्योंकि यौम अदल हो, यौम हश्र हो, वक्त मौत हो, वक्त हयात हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम का तवस्सुल और कुर्ब हमारे लिए निजात का ज़मीन है। इसलिए दुनिया व आखरत अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब और मोहब्बत का शरफ नसीब फरमाए। खून से चराग दीन जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खुद को तो एक कतरा पानी ना मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, असगर सा फूल भी ना बचाया हुसैन ने, असगर सा फूल भी ना बचाया हुसैन ने। यकीनन करबला अपनी आबोताब से चमक रही है आसमान में, और करबला आज जिस तरीके से आप जानते हैं 11 मुहर्रमुल हराम है और शहदाए करबला के लाशें यकीनन दफन ना हुए थे कि अहले बैत रसूल को कैदी बनाने का अहतमाम किया जा रहा है। ये दर्द 1400 साल बाद मोमिनीन सुनते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, न जाने क्या हाल हुआ होगा वारिस करबला का यानी मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का, और क्या हाल हुआ होगा जनाबे सानिये ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। ये दर्द, हकीकत दर्द अहले बैत अलैहिस्सलाम ही जानते हैं। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के अम्र, हुक्म, सीरत पे अमल करते हुए इस दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं और अपना वो रब्त जो अल्लाह ताला ने हुसैनियों का मौला से रखा है उसके ज़रिए से एहसास करने की कोशिश करते हैं, वरना हकीकत दर्द अहले बैत अलैहिस्सलाम जाने, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जाने। बसद रकूओ सजूदो सलाम क़याम कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नौहा उमन कबत खान, सैयद हसन रजा रिजवी, चैनपुर मुजफ्फरपुर बिहार इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। अली मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन मौला की पार्क बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मौला आपको सेहत व आफियत अता फरमाए। चाहूँगा मौला के जिक्र से हमारी महफिल को नूरानियत बख्शी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आगा, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पढ़ने का मौका दिया। सलामत रही। एक लोहा पेश कर रहा हूँ जिसमें क्या कैफियत है सानिया जहरा की, अल्लाह समात फरमाइएगा। इनायत हो। रो रो
बख्तर में कहती थी जैना भैया बाले सकीना कहाँ रो रो मकतर में कहती थी जैना भैया बाले सकीना कहाँ है के जाके ढूंढूं कहाँ उसको बन में शब है तारीख सुनसान रंग भूख उठती है सारे बदन में भैया बाली सकीना कहाँ के उठ के दरिया से बस आओ साथ अकबर को भी ले आओ ढूंढ कर तुम सकीना को लाओ भैया बाली सकीना कहाँ के हो चुकी रन में शामे गरीबा फौजे आना में चरा कूच के हो रहा है ये सामा भैया बाली सकीना कहाँ है कि शायद असगरे को वो ढूंढती हो कूदा पानी का लेकर चली हो आस भाई के ना सो गई हो बाली सकीना कहाँ लाशे बेसे से आवाज आई गम न खाओ मेरी माँ की जाई आओ बहना बुलाता है भाई मेरी बाले सकीना यहाँ गए रोते रोते जो नींद आ गई है गम के तूफान में वो खो गई है अरे मेरे सीने पे वो सो गई है मेरी बाले सकीना रो रो मकतल में कहती थी जैना भैया बाली सकीना कहाँ के हो चुकी किरण में शामे गरीबा फौज में
कूच के हो रहा है ये सामा, भैया बाली सकीना कहाँ है, रो रो मकतल में कहती थी जैना, भैया बाली सकीना कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सलामत रहें मौला, आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें, और अहले बैत अलैहिम सलाम का जिक्र आपकी आन बान शान रहे। मैं दुआगो हूँ आपके हक़ में भी, आपके बुज़ुर्गों के हक़ में भी। मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर दें, जल्द कर बलाए मौला आना नसीब हो। मौला की बारगाह में अपनी प्यारी आवाज़ के साथ, प्यारे कलाम के साथ नजराने अकीदत पेश करना नसीब हो। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ मोहतरम उल मकाम जनाब मनकबत नुहा खान सैयद हसन रजा रिजवी साहब, चैनपुर मुजफ्फरपुर बिहार इंडिया से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, और सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। और ये जिक्र यकीनन हमारे लिए मौला की बारगाह में बहुत ही इज़्ज़त का सबब है कि मौला हमें अपना जिक्र करने का शरफ नसीब फरमाते हैं। दुआ है कि करबला हमारे लिए हमारी फितरत का हिस्सा बन जाए, हमारी तन्हाइयों में करबला हमारे ऊपर असरंदाज हो जाए, और हमारी फ़िक्र पे करबला असरंदाज हो जाए। बसद रुकूओ सुजूदो कयाम कहना है, बसद रुकूओ सुजूदो कयाम कहना है, हुसैन इब्ने अली पर सलाम कहना है। ज़बाँ को चाहिए कुछ एतमाद खाक शिफा, ज़बाँ को चाहिए कुछ एतमाद खाक शिफा, हमें जबी को मुअल्ला मकाम कहना है। गमे हुसैन में एक अश्क की ज़रूरत है, गमे हुसैन में एक अश्क की ज़रूरत है, फिर अपनी आँख को कौसर का जाम कहना है। ये नाम क्यों ना करूँ ज़िंदगी में विरद ज़ुबाँ, ये नाम क्यों ना करूँ ज़िंदगी में विरद ज़बाँ, मुझे लहद में अली को इमाम कहना है। बरोज़ हश्र ज़ियारत नसीब हो तो हमें, बरोज़ हश्र ज़ियारत नसीब हो तो हमें, अली के लाल से थोड़ा सा काम कहना है। कहाँ तलक ना सुनेगा कोई हुसैन का जिक्र, कहाँ तलक ना सुनेगा कोई हुसैन का जिक्र, ये दास्तां तो हमें सुबह शाम कहना है, ये दास्तां तो हमें सुबह शाम कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं नुहा मनकबत खान, ज़ीशान मेहदी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मौला अली अलैहि सलाम मदद, करबलाए मौला, बैनुल हरमैन, मौला की बारगाह में आप हाजिर हैं, और आपकी आवाज़ मौला तक यकीनन पहुंच रही है। चाहूंगा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे पहले मैं एक इमाम की वसीयत आपको सुनाना चाहूंगा, जो इमाम अपनी बहन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह से कह रहे हैं, मैं पेश करता हूँ। इनायत। भाई की लाश पे मक्तल में युआना ज़ैना, भाई की लाश पे मक्तल में युआना ज़ैना, हो सके तो मेरी बच्ची को न लाना ज़ैना, भाई की लाश पे मक्तल में
बाप बेटी से तुम बेटो के होती है करी माँ को मजलूम सुनाएगा तुम्हारी ये हरी तुम मेरी भी मेरी बाबा को सुनाना ज़ैनब भाई की लाश पे मगदल में युआना ज़ैनब भाई की लाश पे मगदल में युआना कल से बागी की बहन तुमको कहा जाएगा ताजियाने से तुम्हें पुरसा दिया जाएगा बदला लेगा मेरा तुमसे ज़माना पे मकतल में युआना ज़ैनब भाई की लाश पे मकतल में युआना ज़ैनब रात में उठते हैं इस घर के जनाजे भी सर से चादर जो छीनी तुम भी तो मर जाओगी तुम अंधेरे में मेरी लाश पे आना ज़ैनब भाई की लाश पे मकतल में युआना भाई की लाश पे मकतल में युआना ज़ैनब शिमर जिस वक्त चलाए मेरे गर्दन पे छुरी ज़िबाँ होते न देखे बेटी दर खेमा से सकीना को हटाना ज़ैनब भाई की लाश पे मकतल में युआना ज़ैनब भाई की लाश पे मकतल में युआना ज़ैनब कहीं अब्बास न सुन ले मेरी बातें बहन हाथ वो चूम लो बंद जाए गरा कुछ देर चराहों को बुझाना ज़ैनब भाई की लाश पे मकतल में युआना ज़ैनब शबे आशूर की मजलिस थी तकल्लुम जारी चुप हुए के ये शबीर बेल से अपनी तुमको बाहर
अच्छा इसके बाद जी सुनने मुझे जी जी इनायत के बाद एक हजरत अली अकबर की शहादत के हवाले से कलाम सुनाना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन ये पंखे की हवा आ रही है, शायद इससे थोड़ा सा दूर हो जाए, बाकी ठीक है। बिस्मिल्लाह कीजिए। मतलब एक सेकंड बिल्कुल, असल में मैं थोड़ी ऐसी जगह पे हूँ इधर, ये भी थोड़ा सा जरूरी था तो इस वजह से। अच्छा मैं अब सुनना चाहूंगा हजरत अली अकबर की शान का। बिस्मिल्लाह। कैसे निकालूं सीन अकबर से मसीना, मदद करो। कैसे निकालूं सीन अकबर से मसीना, मदद करो। बर्दाश्त किस तरह से ये कर पाएगा बेटे के साथ दश्त में मर जाएगा करो। कैसे निकालूं सीना अकबर से मसीना, मदद करो। पाला है जिसने नाजों से है इंतजार में, चादर न भूल जाए वो अकबर के प्यार में। ज़ैनब को रोक लो कहीं आ जाए ना, मदद करो। कैसे निकालूं सीना अकबर से मसीना, मदद करो। आती है शर्म बाप को बेटे के सामने, आंखों पे रख दो हाथ, दिखा आईना दे से रोते ज़ईफ बाप को देखे ना नौजवान, मदद करो। कैसे निकालूं सीना। अच्छा मैं इसके बाद जो है एक हजरत अब्बास की शहादत के हवाले से कलाम पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अब्बास जब शहीद जी हजरत अब्बास जब शहीद होने लगे तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में उनका सर है और वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हजरत इमाम हुसैन से, वो जरा तवज्जो फरमाइएगा। इनायत मौला
माल बनीन से मत कहना मौला, माल बनीन से मत कहना शर्मिंद सकीना से उबते न पानी ले कर न सगा मौला, माल बनीन से मत कहना मैंने जो सिखाए बचपन में वो याद है सब आदाब मुझे नजदीक खड़े रहना उस जा शबीर जो बैठे जाके इस वक्त मगर दिन तेरा ताजीम को तेरे उठ न सका मौला, माल बनीन से मत कहना हर लाश पे गिर के कहते थे क्या तुम ही अली के बेटे हो, मालूम है कितनी मुश्किल में खेमों से यह तक पहुँचे अब्बास से मिलने जहमत जो उठाई है मौला मौला, मामल बनीन से मत कहना ये सोच के रन रोती है पटे कर मेरी वफा ये बात गरा गुजरे की बहुत अम्मा की तबीयत पर आका तरहात हुए आप कैसे घर प्यास रहा मौला, मामल बनीन से मत कहना। और इस कलाम का आखिरी मिस्सा मैं पूछ लाता हूँ तो मुझे फरमाइएगा जरा किस तरह कटे बाजू मकतल में बता देना बेशक मैं जी से जमीन पर के से गिरा अम्मा को सुना देना बेशक अब्बास के गिरने जैनब के गिरी थी सर सरदा मौला। मौलाना साहब बड़ी माजरत है सर पे मुहर्रम के हवाले से भी कुछ कलाम पढ़ते रहे दसवीं मुहर्रम को भी और आगे पीछे, तो इस वजह से कुछ आवाज डिस्टर्ब हुई है। मौला आपको सलामत रखे।
मौला आपकी ज़बान में तासीर अता फरमाए। आपने खुलूस से पढ़ा, अहले बैत अलैहिस्सलाम खुलूस देखते हैं, आपने खुलूस से पढ़ा, मौला आपके खुलूस को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए। मौला आपको सेहत दे, तंदरुस्ती दें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। मौला आपकी ज़बान में तासीर दें, इसी तरीके से मौला का जिक्र दिन रात करते रहें। दुनिया व आखरत में अहले बैत अलैहिस्सलाम अपना कुर्ब नसीब फरमाएँ, जल्द करबलाए मौलाना नसीब हो, मौला आप पर रहमतें बरकतें करें। ये थे हमारे साथ मनकबत व मरसिया ख़ान ज़ीशान मेहदी साहब कराची से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ने के लिए आप खुद समझते हैं कि इखलास चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम को हमसे माल नहीं चाहिए, हमसे अहले बैत अलैहिस्सलाम को इखलास चाहिए। जितना इखलास बुलंद, अहले बैत अलैहिस्सलाम की निगाह में वो शख्स उतना ही बुलंद। हमारा ज़ाहिर बातिन कुछ भी हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुजूर कुछ भी नहीं है। जो कुछ ना होते हुए कुछ मकाम पैदा करता है, वह अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारा तमस्सुक और अहले बैत अलैहिस्सलाम से इखलास और उन पर फिदाकारी का जज्बा और उनसे फरते जज्बात और मोहब्बत है। जो अहले बैत अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में मकबूल फरमाते हैं, तो हमारी कुछ ना होती हुई ज़ात जो कि बहुत ही पस्त कैफियत में है, अहले बैत अलैहिस्सलाम उसे इज़्ज़त दे देते हैं। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। 11 मुहर्रम है, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतरा आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम से लब हुसैन को तरसा है आब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। वो बन जो कल अली अकबर की आज़ान से गूंज रहा था, वो बन जो अली असगर की हुमक से गूंज रहा था, और एक ज़ार जो जनाब कासिम की आवाज़ों से मुअत्तर था, वो हवा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लहलहा रही थी, वो फिजा जो अब्बास अलैहिस्सलाम के डर से घबरा के चल रही थी।